दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल की एक नई और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एन मॉर्गन के बारे में, यानी जो एन मॉर्गन है उनको आईपीएल 2020 के ऑक्शन में कौन सी टीम खरीदने वाली हैं और साथ ही कौन सी टीम उन पर बोली लगाने वाली हैं। हम पूरी बातचीत करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों बात करें एन मॉर्गन की, तो जो एन मॉर्गन है वो इंग्लैंड की टीम की तरफ से आते हैं, जहां पर एन मॉर्गन ने इंग्लैंड टीम की कप्तानी करते हुए वर्ल्ड कप 2019 का खिताब जीता है इंग्लैंड की टीम को। जहां पर जो एन मॉर्गन है वो मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जो कि एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। बात करें एन मॉर्गन के आईपीएल रिकॉर्ड की, तो जहां पर जो एन मॉर्गन है वो आईपीएल में 52 मैच खेले हैं और साथ ही 854 रन बनाए हैं। जहां पर जो इनका हाईएस्ट स्कोर है वो रहा है 66 का और जहां पर इनका जो स्ट्राइक रेट है वो रहा है 121 का, जहां पर इनका काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट है। जहां पर आपको बताएं जो एन मॉर्गन है वो पहले आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम, सनराइज हैदराबाद और साथ ही आरसीबी की टीम की तरफ से खेल चुके हैं, जहां पर उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी लेकिन कोई भी टीम में नहीं टिक पाए एन मॉर्गन। दोस्तों बात करें अब वो कौन सी टीमें हैं जो एन मॉर्गन खरीदना चाहेगी आईपीएल 2020 के ऑक्शन में। बात करें पहले टीम की, तो यहाँ पर पहली टीम है आरसीबी की टीम। जी हाँ, तो आरसीबी की टीम एन मॉर्गन खरीदना चाहेंगी क्योंकि जो आरसीबी की टीम है उनके पास एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की ज़रूरत है, जो कि आरसीबी टीम के लिए बाएं हाथ की बल्लेबाजी करे और साथ ही मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छे रन बनाए और साथ ही विराट कोहली का काफ़ी अच्छे साथ निभा कप्तानी करते हुए। जहां पर जो एन मॉर्गन है वो आरसीबी टीम की उप कप्तानी कर सकते हैं, जहां पर एबी डिविलियर्स और विराट कोहली के साथ काफ़ी अच्छी कप्तानी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं आरसीबी की टीम के लिए। यहां पर जो आरसीबी की टीम है वो एन मॉर्गन खरीदना चाहेगी और साथ ही अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी, जो कि आरसीबी टीम के लिए काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर में। बात करें दूसरी टीम की, तो यहाँ पर दूसरी टीम दिल्ली कैपिटल्स की टीम। जी हाँ, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास काफ़ी सारे युवा खिलाड़ी हैं, जहाँ पर जो एन मॉर्गन है अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम में चले जाते हैं तो ऐसे मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और साथ ही उप कप्तान की भूमिका अदा कर सकते हैं, जहाँ पर ये काफ़ी अच्छे रन बनाते हैं। जहाँ पर जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम है उनके पास कॉलिन मनरो है और साथ ही कॉलिन इनग्राम है, इनके स्थान पर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं एन मॉर्गन, जो कि काफ़ी अच्छे रन बना सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए। बात करें तीसरी टीम की, तो यहाँ पर तीसरी टीम है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। जी हाँ, तो किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के पास मिडिल ऑर्डर में कोई बल्लेबाज नहीं है जो कि काफ़ी अच्छे रन बना सके। जहाँ पर जो एन मॉर्गन है वो पहले भी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की तरफ से खेल चुके हैं, जहाँ पर ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। अगर जो एन मॉर्गन वो किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में चले जाते हैं तो ऐसे में काफ़ी अच्छी कप्तानी कर सकते हैं और साथ ही मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, जहाँ पर जो इंग्लैंड की टीम को वर्ल्ड कप 2019 खिताब जिता के आ रहे हैं एन मॉर्गन, तो ऐसे में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के लिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं एन मॉर्गन। बात करें चौथी टीम की, तो यहाँ पर चौथी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जी हाँ, सो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए एक मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज की ज़रूरत है। यहाँ पर जो एन मॉर्गन है वो मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और जो केकेआर टीम के लिए काफ़ी अच्छे रन बनाते हैं। जहाँ पर जो केकेआर टीम के पास आंद्र रसल हैं, अगर आंद्र रसल नहीं चलते हैं तो ऐसे में केकेआर टीम को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जहाँ पर अगर एन मॉर्गन केकेआर की टीम में चले जाते हैं तो ऐसे में उन्हें कप्तान के तौर पर भी देखा जा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी कप्तानी कर सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए और साथ ही मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। दोस्तों तो ये रही वो चार टीमें जो कि एन मॉर्गन को बोली लगाना चाहेगी और साथ ही अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। अब दोस्तों आपको क्या लगता है और कौन कौन सी टीमें हो सकती हैं जो कि एन मॉर्गन को बोली लगाना चाहेगी और साथ ही अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी, आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।